रमजान का महीना हो या ईद का त्योहार या फिर दोस्तों भरा कोई इतवार, खुशियों के रंग खुशबुओं के बगैर फीके फीके से लगते हैं। खातून हो या मर्द, अच्छी खुशबू तो हर एक को अपनी तरफ खींचती है। जब बात हो ईद की तो खूबसूरत लिबास के बाद अच्छी खुशबू का इंतखाब भी खवातीन का महबूब मशगला है। आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे आके मिलता है और अच्छी खुशबू आए तो वो आपको एक अच्छा उससे आपको जिसको कहते हैं ना फीलिंग आप अच्छी होती है। जहाँ खवातीन खुशबुओं की दिलदादा हैं वहाँ मर्द हजरात कहाँ पीछे रहें। अरबिक इतर हो या फिर कोई ब्रांडेड परफ्यूम, नए कपड़ों पर खुशबू का तड़का ना हो तो कैसी ईद। खुशबू तो जन्नत में भी होती है और रमजान के दौर में हम खास तौर घर में जो खुशबू लगाते हैं या खुद अतर लगा कर मस्जिद में जाते हैं इस पर तो फरिश्ते भी आते हैं। खुशबू और इंसान के रूमानी रिश्ते की महक सदियों से महसूस की जा रही है और वक्त के साथ और भी मुअत्तर होता जा रहा है। ईद का त्योहार हो या कोई और मौका, खुशबुओं के बगैर अधूरा रहता है। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ सबा बजीर, इस्लामाबाद।